क्रैक हील की समस्या में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। जब किसी की पैर की एड़ियां फट जाती हैं, पैरों की एड़ियों में दरार आ जाता है, उसमें ब्लड निकलने लगता है, हद से ज़्यादा दर्द होता है, तब उस समस्या में ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा एड़ियों में लगाने के लिए दिया जाता है। जब किसी के पैर की एड़ियां फट जाती हैं, यानी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। और इस क्रीम का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की बीमारी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी रहने पर डॉक्टर के द्वारा मरीज को ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, या फिर किस प्रकार की स्किन से संबंधित क्या समस्या रहती है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए देते हैं, ये क्रीम का काम क्या होता है, ये क्रीम लगाना कैसे होता है, ये क्रीम एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस क्रीम का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फटी हुई एड़ियाँ। फटी हुई एड़ियाँ जैसे कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये आपने देखा होगा 15, 16, 17, 18 या फिर 20-22 साल के लोगों को भी ये समस्या हो जाती है, उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, उसमें ब्लड सा निकलने लगता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि पैरों के बीच में चचेरी सा हो जाता है, उंगलियाँ एक पैर से लेकर के ये लगातार बढ़ता रहता है, पूरे पैर में एड़ियाँ फट जाती हैं, तो इन समस्याओं में ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। आपने देखा होगा ये समस्या, एड़ियाँ फटने की समस्या लड़का लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, यानी जवान लोगों में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, फटने की वजह से आपने देखा होगा उसमें लाली पड़ जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खुजली की समस्या होने लगती है, एक प्रकार से सूजन सा होने लगता है। अगर जब आप ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम आपको रहता है तो उसमें आपने देखा होगा लाली भी पड़ जाता है, ब्लड भी आने लगता है और हद से ज़्यादा पेन होने लगता है एड़ियों में, तब उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम अप्लाई करने के लिए, एड़ियों में लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो शूज नहीं पहनते हैं, चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, अपने पैरों में नहीं डालते हैं, वैसे चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी एड़ियां फट जाती हैं, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम एड़ियों में लगाने के लिए दिया जाता है, यानी फटी हुई एड़ियों को पहले के जैसा बना देता है। जब किसी की एड़ियां फट जाती हैं तब ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसकी फटी हुई एड़ियां हैं वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि पैरों में जो एड़ियां फट जाती हैं, आपने देखा होगा ये पहले एक साइड में रहता है, फिर आपके दोनों पैर में हो जाता है, फिर ये लगातार आपके पैरों में बढ़ता रहता है, फिर ये धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, फिर ये आपके उंगलियों के यानी पैरों के उंगलियों के पंजों के बीच में यह प्रॉब्लम होने लगता है, ये प्रॉब्लम पूरे पैर में लगातार बढ़ता रहता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। ये क्रीम आपको 5 से 7 दिन में पूरी तरह से ठीक कर देता है, फटी हुई एड़ियों को ये क्रीम ठीक कर देता है। चलिए जान लेते हैं पैर की एड़ियां फटती कैसे है। जैसे कि अगर आप शूज नहीं पहनते हैं या फिर आपने चप्पल जूता नहीं पहनते हैं और नंगे पैर रोड पे चलते रहते हैं या फिर घर में चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी एड़ियां फट जाती हैं। और जैसे कि विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से अगर आपके शरीर में प्रॉपर रूप से आप विटामिन नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो पैर की एड़ियां हैं वो फट जाती हैं। और या फिर अगर आपको किसी भी कारण से एलर्जी की समस्या रहती है, बार बार आपकी पैड़ियों में खुजली सी रहती है, आप खुजलाते रहते हैं, उसकी वजह से भी आपकी एड़ियां फट जाती हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम लगाना कैसे होता है। जैसे कि ये क्रीम आप अपने पैरों में लगाने से पहले आप अपने पैर को अच्छे से धुल लें, डिटॉल या साबुन से आप अपने पैर को अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद में ये क्रीम आप अपने उंगली में ले करके आपकी जो एड़ियां फटी हैं उसमें ये क्रीम अप्लाई करें। जैसे कि एड़ियां आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, एकदम आलान सा पैर के एकदम बीच में दिखाई देने लगता है, तब ये क्रीम आप अपनी उंगली में ले करके फटी हुई एड़ियों के जो बीच में गैप रहता है उसमें ये क्रीम आप प्रॉपर रूप से आपको लगाना है। लगाने के बाद में आपको लेट जाना है या फिर आप कोई पट्टी या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा आप अपने पैर में बांध लें जिससे जो आपने क्रीम लगाया है वो प्रॉपर रूप से लग सके, या फिर आप ये क्रीम लगाने के बाद में 1.5 से 1 घंटा प्रॉपर रूप से आराम करें। ये क्रीम आपको दिन में
दो से तीन बार डॉक्टर के द्वारा लगाने के लिए बताया जाता है। ये क्रीम काफी अच्छा क्रीम होता है। ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि ये क्रीम आपकी एड़ियों का जो स्किन है वो एकदम सॉफ्ट कर देती है, यानी वो स्किन एक तरह से पहले के जैसा ये क्रीम बना देता है। ये क्रीम लगाने के बाद में आप धूप में थोड़े देर तक ना निकलें। ये क्रीम मुख्य रूप से फटी हुई पैर की एड़ियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, फिर उसके बाद में कोई मेडिसिन कोई दवा लें।